हियर दिस इज पलाश यादव। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है स्टार्टिंग से। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल POY, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है ये अंधा भी बता देगा देखकर, ये साइन बस आपको देखना आएगा। ये डिब्बा दिख रहा है आपको, ये डिब्बा आपसे इशारे इशारे में कुछ कहता है, क्या बोल रहा है इशारे इशारों में, ये आपसे बोल रहा है ये जो डिब्बा है बेसिकली दैट इज व्हाट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए और बी का रेशियो 2:3 है, सी फाइंड करना है। जो रेशियो होता है ना रेशियो, उस रेशियो को हम यहाँ पर कुछ कंसीडर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कुछ कंसीडर करने वाले, कुछ मानने वाले। तो आइए हम मानते हैं, हम यहाँ मानेंगे ए रेशियो बी को हम लिखेंगे अपॉन की फॉर्म में 2/3। हम माने लेट बी एक्स, हमने मान लिया एक्स है। जब जब आंखों से दिखाई दिया रेशियो, क्या दिखाई दिया रेशियो दिखाई देगा, फटाक से आप क्या मान लोगे वहां पर एक्स मान लोगे, क्या मान लोगे एक्स मान लोगे। सर कब मानेंगे, सर जब रेशियो दिया रहेगा। आ गया समझ में आपको, ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, यहां पर क्या लग जाएगा 2 के संग एक्स, तो यहां पे 2x हो गया। बोलो यस सर, ये हो जाएगा 3x, बोलो यस सर, यस। ए का वैल्यू 2x और बी का वैल्यू 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट, यहां से ही करते हैं, क्या पता बताएगी ऑनलाइन ऑनलाइन एक्स वाई, इसकी हम बात करेंगे ऑनलाइन एक्स वाई की। तो हम ऑनलाइन एक्स वाई की हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एक्स वाई पर कितने एंगल सबटेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल बेसिकली सबटेंड है वो एंगल बी हैगा, एंगल ए हैगा। सो एंगल ए और बी एंगल सबटेंड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी। इस लाइन पर कितने एंगल है, ए बी एंगल दिख रहा है आयुष, ए एंगल दिख रहा है सही हम, और दूसरा एंगल हो रहेगा तीसरा, कौन सा खड़ा है यहाँ पे अंशी ने, कौन सा एंगल खड़ा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तीन एंगल खड़े, देखो एक ऐसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा है, दिख रहा है आप लोगों को भी ऐसे और ऐसे। यहाँ पे तीन एंगल है POY, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल खड़े रहो तो वो कौन सा एंगल होता है अभी हमारे, ठीक है वहां पर बनेगा कौन सा एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। इतना टाइम लगा रहे बताने में, ए का वैल्यू क्या है हमारा आयुष 2x लिख दो एक ही जगह पे, बी का वैल्यू क्या है आयुष 3x। एंगल POY कितने डिग्री का आयुष, तुम देखकर बताओ 80 डिग्री। अरे ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एंगल POY 90 डिग्री दे दिया हमने, यहाँ 180 डिग्री, 2 और 3 5x हो गया, प्लस 90 इज इक्वल टू में 180, 5x इज इक्वल टू, ये 90 का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 90 आ गया। 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। ये मल्टीप्लाई में आयुष कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 5 से कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। ध्यान रहे जो भी x का संग नंबर होता है अपॉन नीचे आता है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45 आएगा, कितना आएगा 45 आएगा, नहीं नहीं 45 नहीं आएगा 15 आएगा, 5 5 5 5 18 आएगा, 18 5 8 40, x की वैल्यू कितनी आएगी 18 आ गई। ऑलराइट अब x की वैल्यू कहाँ पुट करो, सो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी निकाली 18 निकाली, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 कितना होता है 36, b का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना निकाला हमने 18, तो 18 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 डिग्री 36 डिग्री निकल कर आ गया हमारा। सर हमें a और b तो फाइंड करना ही नहीं था, सर हमें a और b तो फाइंड ही नहीं करना था, हमें तो c फाइंड करना था। जब तक हमें a और b नहीं पता होगा तब तक हमें c नहीं पता होगा, ठीक है ऑलराइट। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना था, a और b पता करना था। आप ऐसे समझ लो जब तक माँ बाप का पता नहीं है, जब तक बच्चे का पता नहीं चलेगा तो माँ बाप से ही बच्चे की पहचान होती है जब वो छोटा रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब c निकालेंगे, c कहाँ घूम रहा है कौन सी लाइन पर है बताओ, c किस लाइन के ऊपर लेटा हुआ है खड़ा हुआ है बताओ, कौन सी लाइन है बताओ, कौन सी लाइन है दिख रही है ML लाइन। इस ML लाइन पर कौन ऐसे करके खड़ा हुआ है आपका, c खड़ा हुआ है ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है समझ में आपको। तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एक्स वाई लिखा हमने, क्या लिखेंगे व्हाट ऑनलाइन MN, ऑनलाइन MN, सो व्हाट ये ML लाइन है हमारी,
एंड एमएन लाइन पर क्या क्या बन रहा है भैया, कौन कौन सा एंगल सब्टेंड है? सर 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 एमएन लाइन पर ध्यान से देखो, आयुष तुम देखकर बताओ तुम्हारी आंखें कितनी तेज आज पर चल जाएगा, बताओ एमएन लाइन पे कौन सा एंगल खड़ा हुआ है, कोई कौन से दो एंगल खड़े हैं? सिर्फ एमएन इस तरफ देखना, इस तरफ सर एमएन लाइन पे कौन से दो एंगल खड़े हैं बेटे, देखो ना ध्यान से, कौन सा बी और सी? आंखों में मोती भी तो नहीं किसी के, ये बी है और ये सी है, ए है क्या यहाँ पे? ए तो कहाँ खड़ा है, ये एम एल एन की बात कर रहे हैं, ये बी और सी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्यों बोले 180 डिग्री क्यों लिख रहे हैं बताओ, कहाँ से है 180 डिग्री, क्यों? बिकॉज हमें पता है जब एक लाइन पे कोई सी दूसरी लाइन खड़ी होती तो वहां पे कौन से एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमें अच्छे से पता है, तो हम यहाँ पे कारण लिखेंगे बाय थ्री डॉट बना के अंशी ने की भूलना जाना, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, ऑल राइट। बी का वैल्यू क्या है हमारा 54, यहाँ 54 रखो आयुष, ये बी का वैल्यू, तुम्हें सी का वैल्यू पता है आयुष? सी का तो निकाल रहे ना सर, तो सी का कहां से पता होगा, सी 180 माइनस 54, ये प्लस का है, 54 जाएगा कि किसका आएगा, माइनस का आएगा, सी का वैल्यू कितना निकल कर आया, 10 में से 4 आएगा 6 आएगा, 7 में से 5 आएगा 2 आएगा, 126 आ गया सी का वैल्यू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने एक बात करी थी एक्स वाई लाइन की, तो एक्स वाई लाइन पे कौन से दो एंगल खड़े थे, बी खड़ा था, ए खड़ा था और पी ओ वाई खड़ा था, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एक्स ओवर हियर, सो दैट इज 8 इनटू द 36 और 18,054, आफ्टर दैट वी कैन पुटिंग वी शुड नो, वी कैन लुक एट द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम वेरी केयरफुली, सो वी कैन लुक एट द एक्स एम एन लाइन ओवर हियर, so we can find out angle C, so we can see the where it is C angle, so we can see C angle will be on X MN line, कहाँ पर है MN line पर है, C angle कहाँ पर लटका हुआ है, MN line के ऊपर लटका हुआ है, दो angle लटके हुए हैं, ठीक है, so we can ठीक है write it, ठीक है we will whether हमने साथ में लिखा, तो after that we should know, ठीक है if a line separated another line, so that will be make linear pair angles, एक लाइन पर दूसरी लाइन सब्टेंड होगी, तो दिस विल मेक व्हाट लीनियर पेयर एंगल्स, वो मेक करते हैं, तो वो हमने लिख दिया, बी का वैल्यू 54 था सर यहां से लिखा, यहाँ सी का वैल्यू तो पता ही नहीं था निकालना, तो ये धरा के माइनस हो गया, फिर वो हमारा आंसर ऐसे से करके, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सुप्रीम क्लास के सारे बच्चे लाइक करेंगे और आप लोगों को भी करना है, चलो।